अभी हूँ कुंवारी माता के घर के पास और अभी नवरात्रि चला थे। आप जो है कुंवारी माता काफी प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में इन दिनों, जो की लाखों हजारों दर्शक जो है माँ कात्रो के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और कात्रो एक भक्त का और माता का जो लगाव होता है वो हमको यहाँ पे महसूस हुआ है। मतलब हम लोग ऐसा इस तरह के सीन ना पहली बार देखे हैं। इस बार नवरात्रि में पूरे छत्तीसगढ़ में कुंवारी माता के बहुत चर्चा हो रही है। कुंवारी माता उर्फ विनेश्वरी साहू एक ऐसा लड़की है जो अपन 22 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के भक्ति में लीन हो गई है। उन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लोग दूर दूर से उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए आते हैं। उन्हें माता का रूप मानते हैं, उनके चमत्कार को मानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके कारनामे को अंधविश्वास का नाम देते हैं। वो उन्हें ढोंगी तक कहते हैं। क्या कुमारी माता दिखावा करती हैं या सच में उनके ऊपर माता आती हैं? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले अमन जान लेता हूँ आखिर विनेश्वरी साहू कुमारी माता बनी कैसे। ये लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊँ तो दुर्ग जिला के पास ग्राम कतरी है। यहाँ कुंवारी माता जेहर नवरात्रि के 9 दिन तक कीला के पलंग में कांटा के पलंग में लेट के दुर्गा माता की साधना करते और पेट में ज्वारा कलश रख कर माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रही थी, साधना में लगी रही थी। यहाँ दूर दराज से श्रद्धालु मन माता के आशीर्वाद प्राप्त करे बर आते। कुंवारी माता के माँ बताईस कि 2012 में विनेश्वरी साहू लिखत पढ़त रहीस और नवरात्रि की उपासना भी करत रहीस और ज्योति भी जलात रहीस। जब हमन दंडा शरण ठाकुर दैया गीस रहीस तब वहीं से इला शक्ति प्राप्त होइस, जस जोरा जोत जोरा शक्ति प्रदान होइस। भक्ति करत करत एकर साधना भी बढ़ गई है और विनेश्वरी साहू जी कुमारी माता है वो बोलन लगी कि यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ मंदिर नहीं है, अब मैं जंगल चले जाऊँ, जंगल में रहूं। और घर से निकल गए रहीस। कोई कोई जानत रहीस कि प्यारी साहू के लड़की है और धर के घर वापस लाईस। फिर धीरे धीरे कर हमन मंदिर बनाए और सबसे पहले दुर्गा जी ले बैठा है। 2019 में 9 दिन के निर्जला उपास शुरू करे है। कुंवारी माता के माँ और बताईस कि हमर एक जन बेटी है ओकर धूमधाम से बिहाव करूँ, पढ़ा लिखा कर नौकरी चाकरी लगी, लेकिन जब एकर ऊपर दुर्गा माता विराजिस तब इला बैगा यहाँ माता के यहाँ ले गए है। तब उमन बोलीस कि हमन शांत नहीं करा सको, इला कोई भी शांत नहीं करा सके। फिर गांव वालों को बुलाया, उन्हें बताया, तब उन्होंने कहा ये पर देवी देवता आते और गांव वालों ने भक्ति भाव शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके दुरिया दुरिया मन के आदमी ला आते, ज्योति जलाते, जेकर मनोकामना पूरा हो जाते। और जब कुमारी माता से पूछा गया कि उनके इस चमत्कार को लोग ढोंग मानते हैं तब कुमारी माता का कहना है कि विश्वास में शक्ति है और जहां शंका है वहां विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर विश्वास के साथ आई तो बिल्कुल ठीक हो ही, विश्वास में ही शक्ति है मोर लिए तो, और जहाँ शंका है वो मैं विश्वास नहीं है। यहाँ बात आस्था और विश्वास की है। मेरे भक्तों को मुझ पर विश्वास है और अगर वो मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मेरा कोई भी चमत्कार किसी पर भी काम नहीं करेगा। और बात सही भी है, मन में अगर विश्वास और लगन होते तो बड़े से बड़े इच्छा पूरी हो जाते। और कुमारी माता गई थे जो मन मानते कि अंधविश्वास या दिखावा है ओकर से मोला कोई शिकायत नहीं है, यह भक्त मन अपन श्रद्धा और आस्था से आते। वैसे इन सभी पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताना और हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।